हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ लीनियर कॉन्ग्रेंस से ही। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, कई बार आ जाते हैं और आप खजल हो जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजी वे से करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। बस आपने ध्यान से वीडियो को देखना है और ध्यान से क्वेश्चन को समझना है कैसे करना है, ठीक है। अगर पिछले क्वेश्चंस में अभी आपको कोई डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आपने मुझे टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पर फॉलो करना है। वहाँ पर मुझसे अपने क्वेश्चंस जो है वो शेयर करने हैं और उस क्वेश्चन पर भी वीडियो बना दी जाएगी। अगर कुछ ऐसे छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर ही बताए जाएंगे, ठीक है। लग गया पता समझा क्या बात, आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। तो शुरू करते हैं आज के सुविचार को, ठीक है। सुविचार नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो सो दैट करना है हमने, क्या सो करना है कि 43 जो है वो इन सबको डिवाइड करता है या नहीं करता है, ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या ऐसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। जी हाँ, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी नहीं है, इतने बड़े टिपिकल एक क्वेश्चन दिए। नहीं यार, कुछ भी नहीं है। कैसे करना है, स्टेप ऐसे करेंगे। अगर मान लो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, कई बार यही क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, पर कई बार कहते हैं ये जो वैल्यूज है ना वो चेंज हो जाती है, बाकी इनकी फॉर्म में ही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब कैसे करना है, चलो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे लिखना है आपने हेयर, लिख लिया। जो ये वाली टर्म होगी वो आपने पहले लिखनी है, 6n+2+7 की पावर 2n+1। अब आपको पता है कि हम इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इस टर्म को, तोड़ के लिखिए। अब कैसे लिखेंगे, 6 वाली टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 6n(n)(2) लिख सकते हैं ऐसे। देखा हुआ आपने कि बेस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, वही यहाँ पर जाकर हुआ है। प्लस का साइन है बीच में, ये देखिए लगा दिया। 7 को भी तोड़ के लिखिए, कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 2n(7 की पावर 1). लग गया पता, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करेंगे हम, स्टेप कोई छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, बस जैसे जैसे स्टेप आए करेंगे वैसे आपको समझाऊंगा मैं। अब आपको पता कि पावर्स जो है प्लस तभी होती है जब बेस बराबर सेम हो, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो गई, तो ये बना, इस फॉर्म में बनी है इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, एक और स्टेप हम लिखेंगे, 6 की पावर n। अब देखिए 6 को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36। लगे बता, प्लस 7 की पावर 2n को हम कैसे लिखेंगे, 7 हम ऐसे लिखेंगे, उसकी पावर 2 और n जो है हम बाहर लिखेंगे, ठीक है। एक ही मतलब हुआ ना इसका, 7 की पावर 2 और बाहर हमने लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, एक ही बात हुई। अब कैसे करना है, फिर से हम इसको 7 की कैलकुलेशन कर देंगे, 6 की पावर n(36+7 की पावर 2)(49n.7). यहाँ तक आ गया समझ, कैसे किया। अब देखिए दोस्तों कि अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चाहे आप ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने इसका मॉड निकालना है, इसका अब कैसे निकालना है, इस टर्म में क्या प्लस किया जाए और क्या माइनस किया जाए कि 43 जो टर्म यहाँ पर दी होगी उससे डिवाइड हो जाए। फिर सुन लीजिए, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, मुझे पता तुम्हारा ध्यान ढंग से नहीं है, ध्यान सुनिए। अब मेन पॉइंट है कैसे करना है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस पॉइंट पर, जहां पर मैं बोलूँ ना गलती करते हैं वहां पर ध्यान सुनना होता है, ठीक है। 49 है जो भी टर्म यहाँ पर आई होगी जिस भी क्वेश्चन में, अब आपने देखना है कि 49 में क्या प्लस किया जाए और क्या माइनस किया जाए कि जो टर्म यहाँ पर दी है ना उससे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास 43 दिया है, तो यहाँ पर देखना हमने कि 43 से डिवाइड हो जाए। तो हम 49 में जब हम -6 करेंगे तो 43 आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है, ठीक है, जब माइनस करेंगे तो प्लस का साइन लगता है। अब कैसे लिखना है वो आपको समझाता हूँ, मोड में कैसे लिखना है। तो जब हम मोड में करेंगे तो कनग्रेंट लगेगा, ठीक है, कनग्रेंट बोलते हैं इसको, कनग्रेंट टू 6a(6n)(36)+। अब देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आया है, 6 की पावर n(+7)(43). अब ये टर्म कैसे यहाँ पर आई वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे आई ये टर्म, समझने की बात है। अब 49 है, ठीक है, अब मैंने बोला कि 49 को कॉन्ग्रेंट में कैसे लिखेंगे, अब इस टर्म में क्या प्लस किया जाए और क्या माइनस किया जाए कि 43 से डिवाइड हो जाए। तो हमने इस टर्म में -6 किया जो कि 43 से डिवाइड हो जाता है। जब हमने -6 किया तो यहाँ पर प्लस का 6 लगना है, ठीक है। जब हम इस टर्म में कोई प्लस करते हैं तो माइनस का साइन लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस का साइन 6। आगे मॉड 43, लग गया पता। अब 49 की पावर यहाँ पर n है तो कुछ नहीं किया, सिंपल सा यहाँ पर n लिख दिया, कॉन्वर्ट टू 6 की पावर n(mod 43), बस 6n लिख दिया, मल्टीप्लाई 7 यहाँ से आ गया, मॉड 43 यहाँ से आ गया।
लगे पता बहुत इजी है। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन होगा इस टाइम में तो पूछ लीजिएगा, चाहे कमेंट करके चाहे मुझे टेलीग्राम फॉलो करके, जैसे मर्जी पर पूछ लीजिएगा। अगर अभी भी कन्फ्यूज़ होंगे, अगर आप अभी आपको ये स्टेप नहीं आया है तो बाकी क्वेश्चन में आप खजल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खजल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जब हमने कॉन्ग्रेंट में कन्वर्ट कर दिया तो उसका क्या करना है, यहाँ से सिक्स एन जो है वो कॉमन लेना है। देखिए इस टर्म के पास भी सिक्स एन है, इस टर्म के पास भी सिक्स एन है, तो क्या करना है, कॉन्ग्रेंट टू सिक्स एन जो है वो कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पर, आपका 36 यहाँ पर बचा, बीच में किसका साइन है, प्लस का है, यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा, साथ में क्या है, मॉड 43। ठीक है, ये है। अब उसके बाद कैसे करना है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब मैं इस तरफ ही कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद तो 6 एन गया, अब यहाँ पर 36 प्लस जो 7 होते हैं वो होते हैं 43, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, 6n 43 और मॉड 43। अब देखिए इस हमने करना ना कि इस टर्म में क्या प्लस और माइनस किया जाए, तो इस टर्म में कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है कि इसमें हम 0 प्लस करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट टू 6, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब जब हम यहाँ पर 0 लिखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 मॉडुलो 43। ठीक है, अब आपको बता दूँ कैसे आया, फिर से आप बहुत कन्फ्यूज़ हो गए कि कैसे कर दिया भाई जी ने, 43 था। अब हमने देखना है कि इस टर्म में क्या प्लस और माइनस किया जाए कि इस टर्म से डिवाइड हो जाए जो मॉडुलो के साथ है, ये बेसिकली क्या होता है, एम होता है। ठीक है, अब आपको पता है 43, 43 में हम ना ही कुछ प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं क्योंकि सिंपल सा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 0 लिखा, 0 क्यों होगा, अगर यहाँ पर सेम टर्म होगी तो यहाँ पर आपने 0 ही लेना है, समझने की बात, अगर यहाँ पर सेम टर्म होगी तो यहाँ पर आपने 0 ही लेना है क्योंकि हमने 0 ही इसमें प्लस किया और माइनस किया है। ठीक है, तो ये आ गया पूरा कैलकुलेशन हो गया, 0 mod 43, और जो आंसर होगा बस लास्ट टाइम में आपने क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया होगा, 43 डिवाइजर ऑफ 6n+2 प्लस 7n+1, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव नहीं लिखेंगे, मतलब कि हमने कर दिया है, प्रूव कर दिया, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव भी, पर आपने इस तरीके से करना है क्वेश्चन, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, पर आपने समझना है कि क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आपको कंसेप्ट पता होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बाकी जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजिली कर पाएंगे, बस वैल्यू चेंज होती है बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो ये पॉइंट किया है यहाँ पर मैंने समझ लीजिए, जहाँ पर मैंने स्टार लगाया, इन पॉइंट को आपने ध्यान देख लेना है, अगर अभी प्रॉब्लम आ रही, डाउट्स आ रहे हैं तो पूछिए, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, आपने ही करना है, मैंने थोड़ी करना है, फॉलो कीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, और वीडियो शेयर करना दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, ये क्या बोल रहा है भाई, टीचर के साथ, जी हाँ, जो आपके ग्रुप्स बने हैं उनमें डाल दीजिए, क्योंकि टीचर भी देखेगा कि किस तरीके से, अगर टीचर भी मेरी गलती निकालेगा ना, अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो टीचर भी देखेगा मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, बस आपने शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, क्यों करना है, ताकि उनकी सपली भी टूट जाए, बाकी जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से मार्क्स ले सकें, और उन सपली नहीं आएगी, सपली आ गई ना तो चपली भी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेहनत करनी है, किसी की सपली नहीं आएगी। ठीक है, मेहनत तो आप लोगों की ही करनी पड़ेगी। तो ये बीसी सेम सेम मैथ है, अभी हम थर्ड सेम के भी मैंने वीडियोस बना दिए, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।